हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोसिन। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर में बॉटनी पेपर फर्स्ट का टॉपिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अभी तक हम लोग कंजर्वेशन हमने अभी शुरू किया था और उसमें हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की, जैसे कि नेशनल पार्क हो गया, टाइप ऑफ कंजर्वेशन क्या होता, हॉट स्पॉट, सीक्रेट रूट्स, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर, क्योंकि हमारा टॉपिक इन सीटू कंजर्वेशन चल रहा था। तो अब हमारा नेक्स्ट इन सीटू कंजर्वेशन का पार्ट, प्रोटेक्टेड एरिया का पार्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में होता क्या है आप लोग ये पढ़ोगे यहाँ पे, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है एक तरह का इन सीटू कंजर्वेशन का एक पार्ट है, जो हमने प्रोटेक्टेड एरिया, अगर आपको चार्ट याद जो मैंने यहाँ पे बनाया था तो आप लोग इजीली समझ जाओगे कि प्रोटेक्टेड एरियाज में मैंने लिखा था नेशनल पार्क और सेक्रेट ग्रूव्स और आपके हॉटस्पॉट, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने मेंशन की थी यहाँ पे। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी उसी का एक पार्ट है। किसका? प्रोटेक्टेड एरियाज का। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या होता है देखो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होता है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है इन सीटू कंजर्वेशन का एक पार्ट है, ठीक है। इन सीटू कंजर्वेशन कह लो, हम लोग इसके थ्रू कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के थ्रू करते हैं भी। तो इसमें होता क्या है ये देखो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में किलिंग एंड कैप्चरिंग ऑफ एनी एनिमल इज प्रोहिबिटेड। किलिंग और कैप्चरिंग, चाहे वो एनिमल की हो चाहे वो प्लांट की हो, दोनों ही प्रोहिबिटेड होती हैं। Nobody can collect forest product, harvest timber on land. यानी कि कोई भी इंसान ना तो forest का product collect कर सकता है, यानी कि forest में जो trees होते हैं, काफ़ी सारे trees medicinally use होते हैं, काफ़ी सारे का use industrially किया जाता है, तो वो सारे uses हम यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। मतलब इन सब जो forest से जो product मिलते हैं वो हम जो wildlife centuries सेंचुरीज में जो forest होते हैं उनसे नहीं लेते हैं। मान लो वहाँ पे काफ़ी सारे टिम्बर अच्छी अच्छी, यानी कि मान लो वहाँ पे जो लकड़ी है वो बहुत अच्छी अच्छी है, तो हम वहाँ की लकड़ी को नहीं काट सकते, ये रूल है, ठीक है। अगर कोई काटेगा तो फिर उसको सज़ा मिलती है, ठीक। तो ना ही हम फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं, ना ही हार्वेस्ट कर सकते हैं टिम्बर को, यानी कि लकड़ी काट सकते हैं, ना ही लकड़ी काट सकते हैं और ना ही वहाँ पर ज़मीन अपने नाम पे करा सकते हैं या खरीद सकते हैं, ठीक। इंडिया हैज़ 504 सेंचुरीज, 504 सेंचुरीज हैं इंडिया में, ठीक। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बेसिकली क्या होते हैं, जहाँ पे किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल प्रोहिबिटेड होता है, यानी कि ना तो हम किसी एनिमल को मार सकते हैं ना ही किसी को अपना वो बना सकते हैं पेट, पकड़ के नहीं रख सकते किसी को, ठीक। तो जहाँ पे किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल प्रोहिबिटेड होती है वो क्या होती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक। ये तो एनिमल की होगी, और प्लांट में हम ना ही कोई फॉरेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट कर सकते हैं, ना ही लकड़ी काट सकते हैं और ना ही किसी लैंड पे अपना हक जता सकते हैं, यानी कि किसी भी ज़मीन पे अपना हक भी नहीं जता सकते हैं यहाँ पे, ठीक। वो होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अच्छा, किलिंग और कैप्चरिंग ये और भी चीज़ में बैन थी जो मैंने पढ़ाया है, नेशनल पार्क, हॉटस्पॉट और सेक्रेट ग्रुप्स। तो आप लोग कमेंट में बताओ कि किस चीज़ में और बैन होती है इस तरह से। अगर आपने पढ़ा होगा, मेरे वीडियोस देखे होंगे तो आपको इसका आंसर पता होगा, तो कमेंट्स में इसका आंसर बताओ। आज का क्यू एन ए यही है, ठीक है। फिर काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब हम लोग आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ कहाँ पर हैं और कौन कौन सी हैं। बेसिकली ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ये शॉर्ट में ही पूछा गया है, लेकिन हम लोग इसको लॉन्ग के बेसिस पे भी पढ़ेंगे ताकि आप लोग और अच्छे से इंट्रोड्यूस हो जाओ टर्म्स में। ज़्यादा कुछ है नहीं यार, अभी आप लोगों को समझाऊंगी ना, तो बस आपको सिर्फ नेम्स ही याद करने होंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के, बाकी आप अपने आप बना बना के लिखोगे, ठीक। और फिलहाल तो अभी पढ़ते हैं। तो काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कहाँ पे है, शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में है, आसाम में, साउथ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी के पास में आसाम में कोई शिवसागर जिला है, वहाँ पे काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना हुआ है। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है काजीरंगा, ये फेमस है किसके लिए, राइनोज के लिए। यहाँ पे कम से कम 700 से 800 राइनोज हैं नंबर में, मतलब इतने सारे 700-800 राइनोज हैं यहाँ पे, कहाँ पे, काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। अब आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे सेम ट्रिक लिखी हुई है, तो मैंने अपने शायद से नेशनल पार्क वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है
कि ये ट्रिक कौन सी है, तो वो ट्रिक जो मैंने उस वीडियो में पढ़ाई है वो ट्रिक आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है, ठीक है। वही सेम ट्रिक मैंने वहाँ पे वीडियो के लास्ट में आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे कुछ नेम्स लिखे थे एनिमल्स के और मैंने बोला था ये नेम्स आप लोग सब जगह यूज कर सकते हो, नेशनल पार्क्स में फिलहाल तो मैंने बताया था, लेकिन वही चीज़ आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, वही नेम्स आप लोग इनमें भी डाल सकते हो। कुछ नेम्स थे जैसे कि लेपर्ड हो गया आपका, एलिफेंट हो गया, और आपका स्लॉथ बियर हो गया, पैंथर हो गया, सांबर हो गया, चीतल हो गया, टाइगर हो गया, एक्सेट्रा। तो ये कुछ नेम्स हैं जो कि आप लोग ऑलमोस्ट सब में ऐड कर सकते हो, या तो सारे सब में लिख दो, सारे सब में लिख दो कि तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यही नेम उठा के आपने काजीरंगा में लिख दिया, यही नेम उठा के आपने मनस में लिख दिया, यही पालामाऊ में, यही कोलेरू में, आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, या फिर एक एक भी ऐड कर सकते हो या दो दो भी ऐड कर सकते हो, ठीक। तो ये सेम ट्रिक, यही वाली ट्रिक थी जो आप लोगों ने अगर नेशनल पार्क वाला वीडियो मेरा देखा होगा तो होप सो आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा मनस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मनस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? आसाम में है। ये प्रोजेक्ट टाइगर के लिए लॉन्च की गई थी और यहाँ पे भी यही सेम ट्रिक लगानी है आप लोगों को, ठीक। ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है, मैं कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो नेम्स याद करने में, क्योंकि भूल जाओगे ना कि कौन सा नेम किस में डाले। तो ये कुछ कॉमन नेम्स हैं जो कि आप सब में लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक। फिर पालामाऊ या फिर दल्टनगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दल्टनगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है बिहार में है और यहाँ पे भी आपको यही सेम ट्रिक लगाओगे, ठीक। कोलेरू बर्ड सेंचुरी, ये आपकी आंध्र स्टेट में है। मैनी बर्ड्स, ये बेसिकली बर्ड्स के लिए फेमस है, ठीक है, और काफ़ी सारी बर्ड्स इस प्लेस पर विजिट करते हैं। यहाँ पर ये ट्रिक नहीं लगेगी, यहाँ पर सिर्फ इतना ही लिखना है, ठीक। बर्ड्स के लिए फेमस है और इसमें ये वाली ट्रिक नहीं अप्लाई होगी, ठीक, ये वाली। बाकी सब में आप लोग ये ट्रिक डाल सकते हो। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है शॉर्ट में पूछा गया, अगर आपके में शॉर्ट में आता है तो इतना ही बहुत है, और फिलहाल तो मैंने सोचा है कि मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से आपको लॉन्ग प्रिपेयर कराऊँ, तो इसके और भी वीडियोज़ आपको मिलेंगे पार्ट्स में धीरे धीरे, फिलहाल तो आप लोग इतना पढ़ो। और अगर शॉर्ट में आता है तो यार इससे ज़्यादा मत लिखना, सिर्फ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है उसकी डेफिनेशन आपने डाल दी, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के नाम लिख दिए, उन सेंचुरीज़ के अंडर वो सेंचुरीज़ कहाँ पे हैं, किस लिए फेमस हैं, कौन कौन से एनिमल उनमें कंजर्व किए जा रहे हैं, इतना लिख दोगे दैट्स इट। और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी यहाँ पे सिर्फ नेम ही है, ये नेम आपको नेम ही याद करना है, कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट जिला यानी कौन से जिला में, शिवसागर जिला में, असम, ये भी नाम ही आपको याद करना है, ब्रह्मपुत्र नदी के पास, किसके लिए फेमस है, राइनो के लिए फेमस है, गेंडे के लिए, और फिर मनस में ये भी आपको नाम है और ये भी आपको याद करना है, आसाम प्रोजेक्ट टाइगर और ये सेम। होप्सो आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा, और हाँ जो मैंने क्वेश्चन पूछा है वीडियो के बीच में उसका आंसर देना मत भूलना कमेंट्स में, और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और इसको शेयर करो जितना कर सकते हो, ताकि और लोग और की भी हेल्प हो जाए जो लोग कोचिंग वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।